चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है 19 अप्रैल का द वोकैब, सो जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इल्यूट। इल्यूट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्केप फ्रॉम और अवॉइड अ डेंजर एनिमी इन अ स्किलफुल और कनिंग वे। यानी किसी भी डेंजर या किसी भी एनिमी से, किसी भी दुश्मन से स्केप करना, यानी बच जाना या उनको अवॉइड कर देना स्किलफुल तरीके से। यानी कि आप कुछ अपने स्किल के हेल्प से आप उनसे बच पा रहे हो, या कोई चालाक तरीके से आप उनसे बच पा रहे हो किसी डेंजर या आपके कोई एनिमी से, कोई दुश्मन से, उसे हम कहते हैं इल्यूड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इवेड या डॉज्ड। डॉज, याद करने की ट्रिक देखिए, थीफ बैंक लूट कर इल्यूड हो गए। बैंक को क्या करके इल्यूड हो गए? लूट कर। यानी कुछ थीफ जो थे, कुछ चोर जो थे, वो बैंक को लूट कर इल्यूड हो गए, यानी कि बचकर निकल गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रह जाएगी। एग्जांपल देखिए, द मैन मैनेज टू इल्यूड द पुलिस फॉर 6 days। वो जो मैन था उसने क्या किया? पुलिस को इल्यूट किया। कितने दिन के लिए? 6 days के लिए। यानी कि पुलिस को वो स्केप करता रहा, अवॉइड करता रहा बहुत ही चालाक तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट अ बिलीव थ्योरी और चेंज विलिंगली। यानी कोई भी बिलीफ है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी चेंज है, उसे एक्सेप्ट कर लेना विलिंगली, यानी इच्छापूर्वक। ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्ब्रेस करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट या स्पाउस। ये वर्ड मैंने आपको कुछ दिन पहले कराया था। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, रेस में अपनी हार उसने इम्ब्रेस की। यानी रेस में अपनी हार को उसने एक्सेप्ट किया, विलिंगफुली एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जांपल देखिए, बिसाइड्स ट्रेडिशनल मेथड आर्टिस्ट्स आल्सो इम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी। यानी ट्रेडिशनल मेथड के अलावा आर्टिस्ट जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी इम्ब्रेस करते हैं। इम्ब्रेस यानी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेकिंग अ सर्टन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। यानी किसी भी सिचुएशन को या आउटकम को पॉसिबल बनाना, लाइकली बनाना क्या कहलाता है? कंड्यूसिव। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल या बेनिफिशियल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कंड्यूसिव प्लेस है। यानी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही फेवरेबल रहेगा, बहुत ही सही रहेगा। तो ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कंड्यूसिव प्लेस है, यानी कि फेवरेबल प्लेस है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सच ए नॉइजी इन्वायरमेंट वॉज नॉट कंड्यूसिव टू अ गुड नाइट स्लीप। ऐसा नॉइज इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है, यानी फेवरेबल नहीं है एक अच्छी नींद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कंजीनियलिटी। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बींग फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। यानी ऐसी क्वालिटी होना, यानी किस चीज़ की क्वालिटी होना? फ्रेंडली होने का, या कोई भी चीज़ प्लीजेंट, अच्छा होने का क्वालिटी को क्या कहते हैं? कंजीनियलिटी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अफेबिलिटी या बोन होमी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अलूफनेस या अनफ्रेंडलीनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, हमारे कॉलेज के सभी लोग कंजीनियलिटी हैं। यानी हमारे कॉलेज के सारे लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे हैं, प्लीजेंट हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, पीपल हु हैव द क्वालिटी ऑफ कॉन्जीनैलिटी मेक फ्रेंड्स ईजली। यानी ऐसे लोग जिनमें कॉन्जीनैलिटी होती है, यानी कि फ्रेंडलीनेस बिहेवियर होता है, तो वो आसानी से फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में क्या कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लेट डाउन। लेट डाउन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है फेल टू सपोर्ट और हेल्प समवन एज दे हैड होप्ड और एक्सपेक्टेड। यानी कोई आपसे कुछ उम्मीद लगा रखा है किसी सपोर्ट या किसी हेल्प के, उसको क्या कर देना? पूरा नहीं कर पाना क्या कहलाता है? लेट डाउन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएन्चेंट या लीव इन द लर्च। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट या डू वंस बिट। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने मेरे डाउन गिरने पर फ्रेंड से हेल्प मांगी, पर उसने लेट डाउन किया। मैंने जब मैं डाउन गिर गई, नीचे गिर गई, तो मैंने फ्रेंड से हेल्प मांगी, बट उसने क्या किया? लेट डाउन कर दिया।
ओके यानी मना कर दिया, सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इस ट्रिक से आपको यह वर्ड याद रहे कि जब मैंने मेरे डाउन गिरने पर फ्रेंड से हेल्प मांगी तो उसने क्या कर दिया, लेट डाउन कर दिया, यानी मना कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, द विक्टिम फील्स डैट द जस्टिस सिस्टम हैज़ लेट हिम डाउन। विक्टिम को ऐसा लगता है कि जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जो विक्टिम है उसे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस सिस्टम है उसने उसे लेट डाउन किया, यानी कि उसे सपोर्ट करने में वो फेल हो गए, हेल्प करने में उसे फेल हो गए, जैसा कि उसने उम्मीद लगाया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर दी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।